बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा फरीद काला तितर ग्रुप। तमाम दोस्त भाई बेटे दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनानी है वो एक तितर जो डरबाज तितर होता है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों पाग पतन ते आन खलोती ते मेरी बेड़ी बने ला, दूरों सुन के आई हाँ मैं इस पतन दा तू है मला। तो दोस्तों आप खुश होंगे, मेरी ये दिली दुआ है आपके बहना भाई दोस्त बहन माँ बाप सब खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। तो दोस्तों देखे ये मेरे आगे तितर है, ये भी डर रहा है लेकिन ये मेरे पास कल आया है। इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद ये तितर आप देखेंगे बोलेगा। जो मेरे पास तितर बोलने वाला था मैं बुलाता था, पट्टा था पहले साल का, शेरू नाम था उसका, लेकिन वो एक दोस्त ने मजबूर किया वो ले गया। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये पट्टा भी ये दूसरी बुलाई का पट्टा है, घर से ये बोलता है और मैं अकेला हूँ तो ये बोलता है जाना, लेकिन ये कोई आदमी आता है तो उससे डरता है। लेकिन इंशाल्लाह ये दो तीन दिन में सेट हो जाएगा, आप वीडियो देखेंगे तो ये चलेगा इंशाल्लाह बफ़ज़ले खुदा। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ वो एक तितर जो डरता है उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों जो तितर डरता है, जंगली ना हो घर का पला हो तितर ते उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन जंगली तितर भी इंशाल्लाह आपने रखा हुआ है या आपके पास आया है तो इंशाल्लाह वो भी उसका भी डर ख़त्म हो जाएगा और वो बोलेगा भी और इसी सीजन में बोलेगा। लेकिन जो पट्टे तितर हैं पहली बुलाई के वो घर पड़े रहें, आप चाहे जितने का 2 लाख का 3 लाख का भी परिंदा लेके आए ना, तो जब आप उसको बाहर फेरेंगे नहीं टोरा नहीं देंगे तो वो मेरा भाई डरता ही रहेगा। जैसे ये आपके सामने पड़ा तितर ये भी डर रहा है। तो दोस्तों तितर परिंदा आप जितने का मर्जी ले लें लेकिन उसको घर ले आके रख दें तो वो बाहर निकालेंगे तो वैसे डरेगा। तो दोस्तों इसका डर का जो घर का पला हुआ है वो 2-3 दिन 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो फिट हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो वो फिट हो जाएगा, या आप कोशिश नहीं करेंगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों आपने क्या करना, ये नुस्खा नहीं है, ये आम सा एक टोटका है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे जो घर का तितर पला हुआ है उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये देखें लाल रंग के कपड़े से डरता है तो उसका जो ऐसा कपड़ा होता है 4 चुंड वाला 4 नुकरों वाला, आपने वो जिस कपड़े से डरता हो वैसा ही आपने कपड़ा लेना है। और उसके ऊपर जो ये छत है ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी तितर फड़केगा तो दोस्तों उसका सिर ज़ख्मी हो जाएगा, जब सर ज़ख्मी हुआ तो फिर तितर वो नाकाम हो गया। आप उसका सर बचाएंगे तो वो सर बचाते बचाते वो तितर आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। लेकिन पहले नंबर पे आपने इधर टक्कर लगानी है, एक टिक्की ऐसे गोल ऊपर सर के ऊपर, ताकि तितर फड़के तो उसका सर ज़ख्मी ना हो। दूसरे नंबर पे आपने जो कपड़ा लेना है बरी कपड़ा हो, तितर को ये पता हो कि मुझे कपड़े में बांध रहे हैं मेरे ऊपर कपड़ा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, चंद दिन किसी होटल से या किसी दुकान पे वो तितर को एक जगह पे रखेंगे, 2-3 दिन के अंदर वो तितर आपका ऑटोमेटिक सेट हो गया, आवाम आएगी जाएगी देखेगा वो, तो ऐसा ऐसा उसका डर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 3-4 दिन के बाद आपने उसका जो कपड़ा है वो भी उतार देना है, आपने उधर ही रखना है उसको। जब आदमी बच्चे औरतें सब देखेगा वो हर रंग का कपड़ा देखेगा, उसका डर ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा, हफ्ते के अंदर वो तितर आपका सेट हो जाएगा।
अगर फिर भी ना हो तो आपने क्या करना है, आपने जो बड़ी इलायची होती है उसके 9 बीज आपने निकालने हैं। सेहतमंद इलायची, बड़ी इलायची सेहतमंद होनी चाहिए, उसके 9 बीज आपने निकालने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबद इलायची जो होती है, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, छोटी इलायची के भी 9 ही बीज आपने लेने हैं। और उसके बाद आपने ये जो लौंग होता है उसके ऊपर जो फूल होता है, टोपी होती है, वो भी आपने 9 दाने लेने हैं फूल के। उनको आपने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के उसका पाउडर बनाना है। जब उसका पाउडर बन गया तो देसी मुर्गी आपने दोस्तों मिश्री गोल्डन या ये ब्लैलर मुर्गी जो होती है लेयर, जिसका अंडा दुकानों पे सेल होता है, ये अंडा बिल्कुल आपने नहीं लेना। आपने देसी मुर्गी का जो बच्चे निकालती है मुर्गी, जो कुड़ मलती है, उसके उसका अंडा आपने लेना है। उस अंडे को आपने वो भी आपने उबालना है, उबाल के उसकी जर्दी जो है वो आपने थोड़ी सी लेनी है और उसकी गोलियां बनानी है आपने। जैसा गंदम का दाना है वैसे गोली बनानी है आपने। एक गोली रात को, अगर ये शहद मिल जाए आपको, छोटा हो या बड़ा हो एक ही बात है, वो शहद भी आप थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे उसकी गोली बन जाएगी। तो मेरा भाई, रात को पहले आपने क्या करना है, जानवर को जब आपने खुराक खिलानी है तो दोस्तों आपने एक गोली वो दे देनी है तित्तर को। जब आप वो एक गोली देंगे इंशाल्लाह 5-6 दिन उधर रखेंगे, जब तित्तर मस्ती भी करेगा, कपड़े के अंदर तित्तर होगा तो तित्तर ऑटोमेटिक मस्ती करेगा, मस्ती करेगा तो वाजे भी करेगा। जब वो मस्ती उसमें आएगी फिर वो डर छोड़ जाएगा। जब मस्ती नहीं होगी तो डर तो उसद का होना ही होना है, लेकिन मेरा भाई जब मस्ती जानवर के अंदर होगी तो फिर वो थोड़ा बहुत डर उसके अंदर कम होगा, मस्ती होगी, मस्ती भी वो करेगा। आपने क्या करना है कि मस्ती का आपको पता हो कि ये मादा की मस्ती करता है, सफ़ेद तित्तर की मस्ती करता है, मुर्गी की मस्ती करता है, आदमी का मस्त है, जो भी मस्ती उसकी है, लेकिन वो उसकी कमज़ोरी आप उसको दिखाएं। बाहर जब बाहर लेके जाएंगे ना उसको, उसकी कमज़ोरी दिखाएं। 2-3 दिन ऐसे यानी कि पड़ा है कपड़े के अंदर, तो उसको कपड़ा एक साइड पर खोले, जो जिस चीज़ की मस्ती करता है, जो उसकी कमज़ोरी है वो उसको दिखा के तो आपने बंद कर लेना है, फिर दिखानी, फिर बंद कर लेना। ऐसे 3-4 दफ़ा एक पल्ला आपने उठाना एक साइड का, उधर से उसको दिखानी और उसको आप दिसें, आप नज़र आएँ, मालक हैं आपके उसके, आप नज़र आएँ या जिस चीज़ की वो मस्ती करता है वो चीज़ नज़र आए और कोई दुनिया की चीज़ नज़र ना आए। तो मेरा भाई, सुबह 5 बजे जब आप उसको ले कर बाहर जाएँगे, 5 बजे से ले कर 7 बजे तक 2 घंटे उसको टाइम देंगे, तो मेरा भाई वो ऑटोमेटिक तित्तर आपका चलेगा। अगर फिर भी तित्तर ना चले, आपने 4-5 दिन या हफ्ता उस पर टाइम गाला लेकिन वो नहीं चला, एक छोटा सा मैं आपको टोटका देता हूँ, इंशाल्लाह उस पर तित्तर चलेगा। और ना चले तो हमारा नाम बदल देना, ये हमारा अजमाया हुआ और जंगली तित्तर भी बोलेगा। आपने क्या करना है, जो तित्तर डरबाज है आपने उसको जो गोलियां मैंने बताई आपको वो भी दी हैं, लेकिन मस्ती करता है, बोलता नहीं है, तो दोस्तों वो मस्ती भी करेगा और बोलेगा भी। आपने क्या करना है, रात को आपने उसको एक गोली देनी है वो जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद जो खाना है वो आप अपने हाथ से, उसको जो भी आप खुराक खिलाते हैं उसको अपने हाथ से खिलाएं। ये नहीं कि गोली भर दी तो वो कोई आज खा ले कोई कल खा ले, ऐसे नहीं। वो मेरा भाई फिर आपकी मालकी नहीं उठाएगा, जब मालकी तब उठाएगा तित्तर, जब तित्तर भूखा होगा, तित्तर को पता होगा ये मेरा मालिक है, ये मुझे खुराक देगा, आप उसको खुराक देंगे, लेकिन आपका तित्तर
खुराक खाता है तकरीबन 5 गोली आटे की, या जो भी आप उसको खिलाते हैं, 5 खाता है तो उसको 2 खिलाएं, 3 मत खिलाएं और, लेकिन वो थोड़ा सा भूखा रखें आप उसको। जब भी आप उसके साथ उसके सामने जाएंगे तो आप को देख के वो यही कहेगा कि ये मुझे खुराक दे रहा है। या जो बाहर जो टिड्डियाँ होती हैं, टोके होते हैं, जो मैंने आपको बताया है मेरी वीडियो के ऊपर भी वो बनी हुई हैं, हम लोग टोका भी उसको बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं और टिड्डी भी बोलते हैं। सबद रंग की हो, जो मेंढक जैसी होती है वो नहीं होनी चाहिए, सबद हो। वो आपके पास 2-4 दाने जेब में हो या किसी चीज़, वो एक उसको रात को दिन को जब भी आप उसके पास से गुजरें उसको बुचकारें तो वो एक टिड्डी उसको दे दें, वो खा लेगा। जब आप ऐसे गुजरेंगे तो वापस आएंगे तो एक टिड्डी फिर उसको खिला दें, 4-5 टिड्डी आप उसको खिलाएंगे, उसको पता होगा कि यार मुझे ये खुराक मेरी दे रहा है, तो तितर ऑटोमेटिक आपका बोलने भी लगेगा और आपकी मस्ती भी करेगा, मालकी भी उठाएगा। और उसके बाद तितर नहीं बोलता, आपने क्या करना है, आप उसको भूख थोड़ी सी दे, खुराक कम दे उसको, लेकिन रात को आपने उसको सोने नहीं देना। जंगली भी आप तितर लेके आएंगे तो मेरा ये वादा है आपसे, तितर बोलेगा, जंगली भी बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि जैसे घर का तितर पला होगा। आप पहले उसको, जंगली जो तितर है उसको आपने दोनों टांगों को डोरी बांधनी, रस्सी बांधनी है बराबर, वो खुले ना टूटे ना ऐसी आपने, और सख्त भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जो टांगे हैं वो जख्मी हो जाए, ये बात भी नहीं। लेकिन उसको मेरा भाई नरम रस्सी हो, डोरी नरम हो, उससे बांधें, सूत्र की हो डोरी, उसको दोनों पाँव पे बांध लें। और उसके बाद जंगली तितर जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐसे हाथ को लगा के उसके ऊपर ऐसे ऐसे आप फेरेंगे, कभी चूंच पे, कभी सर पे, कभी उसकी दम पर हाथ फेरेंगे, 2-3 दिन आप उसका उसको हाथ फेरेंगे। और उसके बाद दाना उसको आपने अपने हाथ के ऊपर रख के, आपके हाथ में होगा तितर, कि उसको दाना खिलाएंगे वो खाएगा। और उसके बाद आपने रात को तितर को जब भी छोड़ना है पिंजरे में, रात को छोड़े, पहले उसकी रस्सियाँ खोलें, डोरी खोले उसकी, और बाद में वो तितर को आप रात को पिंजरे में छोड़ दें। और उसके बाद 2 दिन या 1 दिन उसको दाना नहीं आपने डालना, और उसके बाद आप दाना ऐसे करेंगे तो वो आपके हाथ से खाएगा, क्योंकि भूखा होगा, जब भूखा होगा तो वो आपके हाथ से खाएगा, वो फटकेगा नहीं। जब फटकेगा नहीं तो फिर आपने 2 दिन उसको, दिन और रात ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी उसको रात को सोने ना दे एक सेकंड भी। और उसके बाद वो आदमी सुबह सो जाए, जो दिन वाला आदमी हो पिंजरा उठा ले उसको घुमाए फिराए, लेकिन वो भी दिन को सोने ना दे। अगला दिन आप फिर ऐसे करें, जो आदमी रात को दिन को सोया रात को, वो तितर को फिर ना सोने दे एक रात, फिर 2 रातें और 2 दिन उसको सोने ना दे। तीसरे दिन अल्लाह के हुक्म से ये तितर आपका जो है ना वो बोलेगा, और ना बोले तो मैं हमारा नाम जो है वो बदल देना, ये हमारा जमाया हुआ है। मैं आपको ये कहता हूँ कि जो भी नुस्खा मैं आपको बताता हूँ या जो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरा भाई वो मैं खुद आजमाता हूँ, तजर्बा करता हूँ, और उसके बाद मेरा भाई ये नुस्खा मैं आपको देता हूँ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, ये बूढ़े का आपको सलाम है। तो मेरा भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, दोस्तों से शेयर करें। तो मेरा भाई आप देख रहे हैं बाबा फरीद काला तितर ग्रुप, तो मेरा भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा भाई मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं आप या चाहत करेंगे तो मैं भाई आपकी बेलौस खिदमत करता हूँ, आपको नुस्खे बताता हूँ, लेकिन मैंने आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप मेरा भाई हमारे प्यार के लिए घंटी के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।